नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूं। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 22 अप्रैल 2023 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी को लाने का है। आज का दिन आप नई विचारधारा पर आज के दिन काम कर सकते हैं। जो आपके मन में इतने दिनों से प्लानिंग चल रही थी, जो चलते चलते एग्जीक्यूशन लेवल पर नहीं आ पा रही थी, चाहे वो प्रोफेशनल प्लानिंग हो, चाहे ओवरऑल आप अपने करियर की प्लानिंग कर रहे हो या रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो, वो अब आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगी। वो सिचुएशन जहाँ पर आज के दिन आप अपने लिए काफ़ी अच्छा वातावरण परिवार के रूप में भी और प्रोफेशनली भी क्रिएट कर पाएंगे। साथ ही साथ आज के दिन लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपको हेडेक से भरा हो सकता है। आज के दिन हैवीनेस इन दी हेड, हेडेक, सर दर्द, सिर में भारीपन या कोई मेंटल स्ट्रेस आपको सता सकता है। इसलिए आज के दिन संतुलित आहार, संतुलित व्यवहार आपके लिए ज़रूरी है। उन सभी चीज़ों को, उन सभी तथ्यों को आप नकार सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वो लोग भी जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ आज के दिन प्रोफेशनल स्टेबिलिटी पर काम करने के अवसर भी आपको मिलेंगे और अगर आप उस पर आगे चलेंगे तो आपको रिकॉग्निशन भी देखने को मिलेगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करने का है। आज का दिन आपके लिए सभी तथ्यों को एक साथ लेकर, परिवार के सभी सदस्यों को भी एक साथ लेकर कोई महत्वपूर्ण ठोस निर्णय लेने का हो सकता है या कोई आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी एक कंसेंसस पर आ सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन प्रोफेशनली आपके लिए चीज़ें और बेहतर होती हुई नजर आएंगी। कुल मिला के आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी से भरा हो सकता है। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव ठीक होता हुआ नजर आएगा, वैचारिक मतभेद भी दूर होते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी से भरा हो सकता है। आज का दिन आपके लिए सारे सिनेरियोस को इन टोटैलिटी में देखने का हो सकता है। जितनी निष्ठा के साथ आपने परिवार को एक साथ बांधा है और जिस तरह से आप चल रहे हैं वो काबिले तारीफ है। इसी तरह से इसी सिचुएशन को ऐसे ही लेकर जाते रहिए, कहीं ना कहीं आपको इसमें ही पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। प्रोफेशनल स्टेबिलिटी की तरफ जो लोग बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी आज का दिन काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। सामान्यतः आज का दिन चलता रहेगा अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ दिन की शुरुआत करें तो। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन निवेश से भरपूर हो सकता है। आज का दिन आप निवेश से संबंधित कोई प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। कोई मैनेजमेंट के साथ आपका कोई ना कोई एक अगर टसल चल रहा था, कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो चल रही थी कार्य क्षेत्र में, वो भी एक निष्कर्ष या कंक्लूसिव या कंक्लूजन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुल मिला के विवादों से भी आज के दिन निकलती हुई सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव हो रही है। साथ ही साथ अगर कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो कहीं निवेश पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो रहा था कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो भी अब पॉजिटिविटी आती हुई नजर आएगी। परिवार के किसी सदस्य के साथ आज के दिन थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर कम्युनिकेशन को इंटैक्ट रखेंगे, शब्दों का प्रयोग सही करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिविटी इंडिकेटिव है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। सारी चीज़ें कन्या राशि वालों आपके लिए अनुकूल रही हैं, अनुकूल चल रही हैं। मानसिक तनाव थोड़ा सा बना हुआ है, वो भी आप अपने थॉट प्रोसेस में ही उलझे हुए हैं। आपका अपने आप से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अंतर्द्वंद चल रहा है, तो आज ज़रूरत है आपको अपनी सिचुएशंस को पॉजिटिव बनाने के लिए कोई ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लीजिए जिसमें आप अपने लिए टाइम निकाल पाएँ। आपका ये निर्णय जहाँ पर आप अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, लाभदायक साबित होगा और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से आप पॉजिटिवली निकल भी जाएंगे। साथ ही साथ आज के दिन कार्यक्षेत्र से थोड़ा सा विराम या विश्राम लेने की जरूरत है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। पॉजिटिविटी बनी रहेगी तुला राशि वालों, मन आपका शांत रहेगा, विचारधाराएं प्रबलतम तरीके से आगे लेकर आपको जाएंगी, कॉन्फिडेंस लेवल में भी इजाफा होगा। लंबे समय से अगर आप कुछ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंशियली या प्रोफेशनली कुछ करने की सोच रहे थे, कोई एडेड सर्टिफिकेशंस करने की सोच रहे थे, एब्रॉड सेटलमेंट के बारे में सोच रहे थे, जहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना होने की वजह से या डॉक्यूमेंट सही से ना होने की वजह से अगर तो वो प्रोसीजर रुका हुआ था, तो अब उसमें तेज़ी आनी शुरू हो जाएगी जिसमें आज से ही आपको संकेत देखने को मिल जाएंगे। रिलेशनशिप स्थिरता आपकी बनी हुई है तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए।
वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन परिवार के साथ समय बिताने का है। आपके द्वारा बिताया गया समय आज के दिन आपको और पॉजिटिव बनाकर जाएगा, साथ ही साथ आज के दिन आपके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी खुलती हुई नजर आएगी। लंबे समय से चल रहा कोई आपका अपने साथ के साथ तनाव, अंतर्द्वंद, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, कोई फियर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस भी आज के दिन खत्म होता हुआ नजर आएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने ही उलझनों में परेशान थे तो आज के दिन आपको रास्ता मिल सकता है या किसी मेंटोर, गुरु या किसी शुभ चिंतक के फॉर्म में आपको हेल्प मिल सकती है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करके चलने का है। संतान पक्ष की तरफ से पॉजिटिविटी बनी रहेगी। जो लोग रिलेशनशिप स्टेबिलिटी को चाहते हैं अपने जीवन में, आज के दिन आपको भरपूर अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप अपने पार्टनर से अपनी बातों को साझा कर सकते हैं और उनकी तरफ से भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ आज के दिन आपका पार्टनर रेसिप्रोकेट भी करेगा और आपको कोई वैल्यूएबल सजेशंस भी दे सकता है, जिससे आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं और वॉर्मथ आ सकती है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मेंटल टेंशन मकर राशि वालों आपको हो सकती है, खास तौर पे फिनांसिस को लेकर। आज के दिन कामकाज के संदर्भ में अगर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, नई नौकरी देखने के इच्छुक हैं, एब्रॉड में सेटलमेंट चाह रहे हैं या सिटी चेंज कर रहे हैं, तो आपके लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है। एफर्ट्स करेंगे तो वहां पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज के दिन हल्का फुल्का वैचारिक मतभेद अपने भाई बहन से हो सकता है आपका, तो वहां पर आपको संयमित लैंग्वेज का यूज़ करने की ज़रूरत है। जो आपके शब्द होंगे वो सोच समझकर आगे उसको लेकर जाएं। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आपके लिए शुभ संकेत है, रिलेशनशिप स्थिरता बनी हुई है, मन आपका स्ट्रांग है, विचारधाराएं आपकी प्रबल है, लोग आपके कामकाज की तारीफ भी कर रहे हैं। लंबे समय से चल रहा पारिवारिक तनाव साझा होता हुआ नजर आएगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शंस तलाश रहे थे, अब उनके सामने वो सटीक ऑप्शंस आने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ पॉजिटिविटी आपको प्रोफेशनल रेल में भी देखने को मिलेगी। पराक्रम में भी आज के दिन वृद्धि बनी रहेगी। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। आज के दिन आपका रुझान, इंटरेस्ट, लगाओ स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा होगा। एट पीस रहना पसंद करेंगे, साथ ही साथ शब्दों का चयन भी सोच समझ कर करने की आज के दिन जरूरत है, खास तौर पे प्रोफेशनल फील्ड में। कुल मिला के आज का दिन आपके लिए अवसरों से भरा हो सकता है, लाभदायक हो सकता है, पूर्णता के साथ आगे बढ़ना है। मेंटल स्ट्रेस अगर कुछ हो रहा हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए आज के दिन आपको किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से राय, सलाह, मशवरा करना चाहिए जो आपका वास्तविकता में शुभचिंतक हो। जो लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं और सामने आपके शुभचिंतक बनते हैं, आज के दिन उनको आप अपनी लाइफ से निकालने का महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं, जिससे आपके जीवन में चल रहा अगर कोई प्रेजेंट स्ट्रेस होगा तो वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।